और देख लेते हैं, बहुत हैवी एक जानवर कोई बैठा हुआ है, तो उसको देखते गाइस आ जाइए। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल घुमक्कड़ कपिल में आपका स्वागत है। कैसे हो गाइस, उम्मीद करता हूं बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। घुमक्कड़ कपिल आज आपको घुमाने के लिए लेके आया है नारगढ़ बायोलॉजिकल पार्क, और मेरे पीछे एक फाउंटेन जो कि बहुत ही शानदार सा फाउंटेन, इसमें एक लॉयन बैठ के नहा रहा है गाइस। तो चलते हैं जू के अंदर और देखते हैं क्या क्या जू के अंदर देखने के लिए मिलेगा। काफी चीजें हैं, मैंने टिकट ले लिया, टिकट काउंटर है आपके इस तरफ, आप दिखा सकते हो टिकट काउंटर ये है, और टिकट काउंटर से मैंने टिकट ले लिया। टिकट में आपको दिखा देता हूँ, टिकट है आपकी 50 रुपये की एक टिकट है। हम लोग दो जने तो मैंने दो टिकट लिए, तो 100 रुपये की टिकट हुई है, आप देख सकते हो। टिकट मैंने ले लिया। तो गाइस हमारे पास टाइम ज़्यादा नहीं है, हमारे पास 4:30 बज चुके हैं और 6 बजे बंद हो जाएगा। तो यहाँ से अभी अंदर जाएंगे और फिर आपको दिखाएंगे यहाँ का जयपुर का जू कैसा है। आ जाओ, चलते हैं गाइस अंदर, देखते हैं क्या क्या देखने के लिए मिलेगा आज। मेरे मन में तो बहुत सारी चीजें देखने के लिए, पर मैं ऐसे क्या बताऊं क्या मिलेगा, क्योंकि मैं कभी गया नहीं, तो पहली बार जा रहा हूं, तो देखते हैं क्या मिलता है, एक्सपीरियंस करते हैं इस जगह का। हम लोगों ने कर लिया है ई रिक्शा और हम बैठ के अंदर आ चुके हैं। यहाँ से अंदर जाने का रास्ता है 1.5 किलोमीटर और इसका किराया आपको देना पड़ेगा मात्र 60 रुपये, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से इतना ही है, कोई भी कम भर्ती नहीं है, मात्र 60 रुपये किराया देना पड़ेगा। उसके बाद आप अंदर ये 1.5 किलोमीटर पहुँच जाओ, उसके बाद आपको फिर घूमना पड़ेगा, फिर वो भी बहुत बड़ा एरिया है। तो चलते हैं घूमते हैं अंदर का जू, मज़ा लेते हैं गाइस। जब आप ई रिक्शे से उतर जाओगे यहाँ पे 1.5 किलोमीटर अंदर आने के बाद, उसके बाद आपको यहाँ से एंट्री करनी है। आपको ये गेट दिख रहा है जूलॉजिकल पार्क नारगढ़, तो यहाँ से आप एंट्री करेंगे। तो चलते हैं अंदर की तरफ और देखते हैं जू। आपके चैनल का नाम क्या है? घुमक्कड़ कपिल। जैसे ही आप जू के अंदर आएंगे, जू के अंदर आने के बाद आपको बैठने के लिए, अगर आप थक गए हो तो बैठ भी सकते हो, बहुत अच्छी जगह है बैठने के लिए, वो मैं दिखा देता हूँ कहाँ पे बैठना है। आ जाओ, यहाँ पर आप बहुत अच्छी तरीके से बैठ सकते हो, और अगर किसी को नींद आ रही तो यहाँ पे लेट भी सकता है, और बहुत ठंडा भी हो रहा है यहाँ पर, बहुत गर्मी भी नहीं लगेगी। चलते हैं आगे की तरफ। जल ही जीवन है, पानी को साथ में रखें और पीते रहें, गला सूखा ना हो। तो गाइस चलते हैं अंदर और देखते हैं क्या क्या है नजारा। अभी तक तो कुछ मुझे ऐसा खास दिखा नहीं है यहाँ पे, तो चलते हैं और देखते हैं। सबसे पहले आपको देखने के लिए मिलेगा वॉल्फ भेड़िया, वो जो लेटा हुआ, मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो वो रहा। देखो ये घूम रहे हैं इसके अंदर, पर कुत्ते जैसी हालत हो रही है इन लोगों की। देखो एक लेटा हुआ सूरा ये, और आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्या क्या आगे देखने के लिए। हालत हो रही है इनको, भेड़िए मिलेंगे यहाँ देखने के लिए, और शेर नहीं मिल रहे तुम्हें बेटा। भेड़ियों की गैंग। दूसरा हमें भेड़ी का मिला है सियार जैकाल, जो कि आप देख सकते हो जैकाल सियार। तो चलते हैं गाइस अंदर की तरफ, भेड़िया मिल गया है, सियार मिल गया है, उसके बाद देखते हैं क्या मिलेगा देखने के लिए, और देखते रहिए घुमक्कड़ कपिल और चलते हैं। अब यहाँ पे भी कुछ आपको देखने के लिए मिल सकता है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ क्या है देखने के लिए यहाँ पे, और देखते हैं क्या है। 3rd नंबर पे आपको मिलेगा जरख, और यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ पास से जाके उसके कहाँ पर है ये जरख। इसके अंदर है, छुपा बैठा ये रहा, पर बाहर नहीं निकल रहा, हल्का सा दिख रहा होगा आपको ये रहा। सबसे ज्यादा जो इंतजार था मुझे, जो मेरे को देखना था और आपको दिखाना था, वो
उस चीज का इंतजार था वो मैं आपको खुद दिखा देता हूँ, वो है मेरे आंखों के सामने और मैं सोच रहा हूँ कि मतलब मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उसको देखने के लिए। आइए देखिए सामने बैठा हुआ है टाइगर, बहुत ही सुंदर लग रहा है, पास से देख सकते हो, बहुत ही करीब से देख सकते हो, मैं इसको जूम करके दिखा देता हूँ आपको। मैंने टाइगर देख लिया है और टाइगर देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ मेरे पैसे वसूल हैं जू में आने के बाद, क्योंकि लोमड़ी वोमड़ी ये सब देखने में क्या है, थोड़ा चीता वीता शेर वेर देखने में कुछ जो दृश्य आता है वो कहीं आता ही नहीं है, मतलब भयंकर से लगता है। बताया गया है कि बब्बर शेर भी है यहाँ पे, तो बब्बर शेर का भी इंतजार है, बब्बर शेर जब तक नहीं आएगा जब तक थोड़ा सा मन कच्चा रहेगा, तो बब्बर शेर का इंतजार है, आते हैं देखते हैं बब्बर शेर। तो फिफ्थ नंबर पे आता है आपका पैंथर बघेरा, जो कि मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। पैंथर देखिए गाइस, ये बैठा पैंथर जो कि बहुत ही डरावना लग रहा है अपनी शक्ल से और बहुत हैवी भी है, थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा है पर कोई दिक्कत नहीं है, एकदम लुक बहुत हैवी आ रहा है देख सकते हो, बब्बर शेर का पंजाई देख सकते हो आप, बहुत हैवी। एक और है यहाँ पे, ये रहा, छठे नंबर पे आता है आपका स्वैम्प डियर, तो चलते हैं यहाँ से और स्वैम्प डियर की तरफ बढ़ते हैं। और बारहसिंगा स्वैम्प डियर गौर से देख सकते हो, बहुत दूर है ये, देखिए इसके अंदर है ये रहा, काफी दूर पड़ रहा है गाइस, इसलिए रियली सॉरी, मैं थोड़ा पास तो मैं जा नहीं सकता, आप लोग भी जानते हैं ये खतरनाक जानवर है बहुत ज्यादा, तो मैं इतना दूर से आपको दिखा पा रहा हूँ, अगर आपको दिख रहा हो तो आप देख सकते हो ये रहा। दोस्तों जू में आकर आप लोग जानवरों का तो मजा ले ही सकते हैं देख देख के, उसके बाद आप अगर फैमिली के साथ आएँ, अकेले आएँ, गर्लफ्रेंड के साथ आएँ, किसी के भी साथ आएँ, तो आप पार्क में टहल सकते हैं, बैठ सकते हैं, अपनी कुछ खाने पीने की चीज़ें जो लाएँ वो खा सकते हैं और बहुत ही लुफ्त उठा सकते हैं, जो कि पार्क आप देख सकते हो, बहुत ही प्यारा सा पार्क है, एक पार्क में यहाँ पर बहुत सारे ऐसे तमाम पार्क हैं जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। आइए, जो कि आप देख सकते हो बहुत ही प्यारा सा एक व्यू मुझे दिखाई दे रहा है, एक बहुत ही छोटी सी बच्ची, बहुत ही क्यूट, जो डांस कर रही है अपने मम्मी पापा के सामने, देख सकते हो, मैं जूम करके दिखा देता हूँ आपको गाइस। शायद अब बब्बर शेर की एंट्री होने वाली है गाइस, तो बब्बर शेर देखने के लिए मैं बहुत ही उतावला हूँ। सातवें नंबर पे आपको मिलेगा हॉग डियर, जो कि मैं आपको अभी दिखा देता हूँ हॉग डियर, ये देखिए गाइस, ये आपके सामने हैं और काफ़ी हैं ये, तो बहुत सारे हैं पर थोड़ा अच्छी तरीके से आप देख सकते हो, मैं काफ़ी हर तरफ से दिखा रहा हूँ। चिंकारा जो कि आपको देखने के लिए भी मैं दिखा देता हूँ, ये रहा चिंकारा, इस पिंजड़े के अंदर बंद ही सामने घूम रहा है हमारे सामने, ये देखिए इसको बंद कर दिया गया है, और वैसे इसके सींग भी हैं दो एकदम पहने वाले। बहुत सारे जानवर देख लिए हैं, बहुत सारी चीज़ें देख ली हैं, पर तब भी मन नहीं भर रहा है, मन देख के भरेगा बब्बर शेर को, जो कि बब्बर शेर यहाँ पे पता नहीं है भी है या नहीं, आगे मालूम पड़ेगा बब्बर शेर का, तो अभी तो कुछ और देख लेते हैं, बहुत यहाँ कोई बैठा हुआ है तो उसको देखते हैं गाइस, आ जाइए। इसके अंदर आप देख सकते हो ये चिंकारा है शायद, मेरे हिसाब से चिंकारा। चल स्पॉटेड डियर, तो देखते हैं स्पॉटेड डियर किस तरीके का है, देख सकते हो आप यहाँ पे बहुत सारे स्पॉटेड डियर्स हैं, जो कि आप देख सकते हो सामने, इनका नाम इसीलिए स्पॉटेड डियर है क्योंकि इनके स्पॉट हैं पूरे बॉडी पे, देख रहे हो ना, ये बहुत सारे हैं यार यहाँ पे, इनमें तो लड़ाई भी नहीं हो रही आपस में, वरना तो लड़ मरता, ये कौन सा भाई, ये बहुत तगड़ा यार, सबसे पीछे चल रहा है,
ब्लैक डक, सीका डियर, चिंकारा और सांभर, वो आपको इस तरफ में सब कुछ दिखा दिया है। तो दोस्तों ये है इंडियन वाइल्ड पिग, इसको तो सब लोग जानते ही होंगे और सब लोगों ने देखा भी होगा, ये तो अपनी गलियों में भी घूमता रहता है। तो मुझसे कुछ लोग बोल रहे कि भाई इसका क्या व्लॉग बना रहे हो, ये तो गलियों में घूमता है, इसकी क्या इज्जत है। पर ऐसा नहीं है, इज्जत सबकी बराबर है, कोई कैसा भी हो अपना सो रहा है मस्त कीचड़ में, कोई दिक्कत नहीं है, मस्त सो रहे हैं दोनों, इन्हें इन्हें होश नहीं है थोड़ा सा भी, तो कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया एकदम मौज ले रहे हैं ये भी। तो चलते हैं आगे की तरफ, पानी पीने की जुगाड़ बहुत अच्छी है यहाँ पे, एकदम पानी पी सकते हो, बहुत ही ठंडा शीतल जल, जल बैंक पॉर्क्यूपाइन से ही। तो देखते हैं पॉर्क्यूपाइन का सिस्टम क्या है। ये देखिए ये आ रहे, ये हैं कांटे वाले चूहे। ओके गाइस, तो आप देख रहे हो ना, देखा जंगल कैट जो है जंगली बिल्ली, ये जा रही एक अंदर भी है, एक वो रही, कुछ पड़ा हुआ है, मांस मांस उसे खा रही हैं, है ना। स्मेल भी बहुत गंदी आ रही है क्योंकि भाई मैं थोड़ा नॉन वेज नहीं खाता ना, तो इसलिए टहलना हो रहा है शाम को जंगल कैट का टहलना, बड़े ही आराम से टहल रही है। और देख लिया क्या मुझे, और देखती हुई घुर्राती हुई मुझे देख रही है, और आंखें बहुत ही कंजी हैं। यहाँ पे है डेजर्ट फॉक्स जो कि आप देख सकते हो, ये रहा, यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा मगरमच्छ, ये कि आपके सामने लेटा हुआ है, देखिए अब आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा भालू जो कि आपके सामने है, ये रहा, देख सकते हो इस भालू को, पर इधर तरफ फेस नहीं कर रहा है। इसका नाम है स्लॉथ बियर। और अब आपको मिलने वाला है बब्बर शेर जिसका बरसों से इंतजार था देखने के लिए, बब्बर शेर देखते हैं गाइस, चलिए। तो गाइस बब्बर शेर की एंट्री हो चुकी है, सारा का सारा जू हमने घूम लिया है और अब यहाँ पे कुछ नहीं बचा, हम लोग गेट से बाहर आ चुके हैं और अब जा रहे हैं बाहर की तरफ। तो गाइज ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, बाय।